हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, इस खुशखबरी को सुनने के लिए कैंडिडेट्स के कान तरस गए थे। फाइनली इतने सालों के बाद अब RRB NTPC की भी भर्ती आने वाली है। ये बात तो सबको पहले से ही पता था, एग्जाम कैलेंडर जो आया था उसमें बताया गया था कि अगस्त में ये वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन खुशी की बात ये है ना कि 24 तारीख के दिन एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि कौन कौन सा पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कितना सीट रहेगा, जोन वाइज सारा कुछ क्लैरिफाई किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट। ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप इसे रिलेटेड शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ऑलरेडी अपलोडेड है। और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए फिलहाल देखिए RRB NTPC न्यू रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी रहेगी। इसके लिए टोटल पोस्ट आपकी आएगी 10,884, मतलब कि 11,000 के तकरीबन वैकेंसी है। लेकिन हम लोग इसको 11,000 मान के नहीं चलेंगे। आपको पहले से ही पता है कि ALP की जो भर्ती आई थी उसके लिए क्या सीट आया था और बाद में बढ़ा के उसको 19,000 कुछ कर दिया गया। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, सीट इंक्रीज भी हो जाएगी, बाद में और ज्यादा सीट हो जाएगा। और फिलहाल के लिए 10,884 सीट कुछ कम नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 9 टाइप के पोस्ट रहेंगे। 12th पास आउट और ग्रेजुएट्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलिए फिलहाल देखिए किस पोस्ट का क्या सीट है, एज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए जो सीट रहेगा उसके बारे में। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो भर्ती है उसके लिए आपका 361 पोस्ट रहेगा। सेकेंड पोस्ट है कॉमर्स कम, आपका जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है उसके लिए 1985 सीट्स रहेगा। थर्ड है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का 990 यानी 990 पोस्ट रहेगा। फोर्थ है ट्रेंस कलर की 68 वैकेंसी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, चारों ही पोस्ट के लिए 12th पास आउट सभी बच्चे, डजंट मैटर कि इंटर में आपका क्या स्ट्रीम था, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, साथ के साथ कुछ भी परसेंटेज है, बस पास आउट हो, तो इन चार पोस्ट के लिए आप इलिजिबल रहेंगे। तो 12th वालों के लिए टोटल सीट 3404 मतलब 3404 सीट रहेगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 30 वर्ष, और रिलैक्सेशन तो पता है कि OBC को 3 वर्ष का छूट मिलता है अपर एज में और SC ST को मिलता है 5 वर्ष का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से 30 वर्ष। ये चार पोस्ट हमने अच्छे से समझ लिया। अब जो आपका नेक्स्ट पांच पोस्ट है, पहला गुड्स ट्रेन मैनेजर का 2684 यानी 2684 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के लिए 963 यानी 963 पोस्ट है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1737 यानी 1737। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1371 यानी 1371 रहेगा। लास्ट पोस्ट आपका है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसका आपको 725। ओवरऑल अगर बात करें तो ये ग्रेजुएट जो होंगे, ग्रेजुएशन में आपका कोई भी स्ट्रीम है, परसेंटेज है, बस ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनके लिए पांच तरह के पोस्ट रहेंगे। टोटल कंबाइन करके ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 7500 के तकरीबन सीट है, 7479 ठीक है। जो ग्रेजुएट होंगे उनके लिए उम्र सीमा है 18 वर्ष से 33 वर्ष, और उनको भी उम्र सीमा में छूट मिलेगा, OBC को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का। तो ये तो टोटल सभी पोस्ट के बारे में हमने जाना, आगे इससे रिलेटेड सारी डिटेल भी समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी जो लिया जाता है, जनरल OBC EWS है 500 रुपीज़, फीमेल कैंडिडेट SC ST और एक सर्विसमैन से 250। ये पैसा रिफंडेबल होता है CBT 1 के बाद आपके अकाउंट में 500 का 490 और 250 का 240 आपको वापस कर दिया जाता है। चलिए आगे देखें कि अब इतना पोस्ट सब आ रहा है तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, किस किस स्टेज से गुजरिएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर पाँच स्टेज है। पहले स्टेज पर होगा CBT 1,
यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, CBT 1, फिर CBT 2 होगा। इन दोनों में क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट होता है। ये पोस्ट पे निर्भर करता है, सारे पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होता है। फोर्थ आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड लास्टली आपका मेडिकल होता है। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है। तो चलिए फिलहाल समझे कि CBT 1 और 2 का क्या एग्जाम पैटर्न है, स्किल टेस्ट में क्या आपसे कराया जाएगा। देखिए CBT 1 आपका इसी से समझ में आता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा होता है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, टाइम होता है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे की परीक्षा होती है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहेगा। और सब्जेक्ट वाइज बता दें तो बस 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, और लास्टली जनरल अवेयरनेस, मतलब GK GS साइंस करेंट अफेयर्स सबको कंबाइन करके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए। तो ये है आपका CBT 1। इसमें क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 आपका होगा, वो भी कंप्यूटर पे परीक्षा होती है। उसमें होते हैं 120 यानी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए। समय सेम ही रहेगा 1.5 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाएगा। अब अगर विषय वाइज बात करें तो यहाँ पर भी तीनों सेम ही सब्जेक्ट है, बस क्वेश्चन 5-5 बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर रीजनिंग में आपको CBT 1 में 30 पूछा गया था, यहाँ पर 35 पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए 35 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। देख सकते हैं आपकी दोनों ही CBT में सबसे ज़्यादा वेटेज आपका क्या है, GK GS का करेंट अफेयर्स करेगा। उसमें भी जो रेलवे का जॉब होता है उसमें साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिश यही करना है कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी को पक्का कर ले, अच्छा कर ले, ताकि आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सके। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको पहले ही बताया कि आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा। तो देखिए टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें आप अगर 5% यानी 5% मिस्टेक करते हो तो वो चल जाता है। अगर स्पीड की बात करें तो अगर आप हिंदी में देने वाले हो टाइपिंग टेस्ट तो 25 वर्ड्स पर मिनट रहेगा, इंग्लिश वालों के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगा। तो यही था आपका स्किल टेस्ट। उसके बाद DV और मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और जैसा कि आपको बताया कि वैकेंसी जोन वाइज रहेगा, तो जिस जोन के लिए अप्लाई करेंगे उस जोन में आपको सर्व करना होगा। सर्विस के दौरान सैलरी आपको शुरुआती दौर में 25,500 से लेकर 35,400 रुपये तक। देखिए ये सारी चीज़ें मेंशन करने के लिए होती है। अगर आप NTPC ज्वाइन करते हैं तो शुरू में आपको 35,000 से 40,000 मिलता है, बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते 1,00,000 या उससे प्लस भी हो जाता है। आई होप इससे रिलेटेड आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। रही बात की अप्लाई की डेट क्या रहेगी, तो आपको बार बार बता रही हूँ कि एग्ज़ाम कैलेंडर में बताया गया कि अगस्त में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और सोच लीजिए कि अगस्त में आएगी और 24 जुलाई को आपका नोटिस भी शॉर्ट नोटिस आ गया, तो यही रहेगा सरकार का कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी हम सभी के बीच आ जाएगी। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएगा। लेकिन अभी बताने का मतलब ये होता है कि किस किस पोस्ट की भर्ती आई है वो आपको क्लियर हो गया, किस क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट के लिए रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि तैयारी की स्पीड को आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है। पहले से ही रेलवे ने इतना सारा वैकेंसी दिया था, अब एक और नई भर्ती आ रही है। तो आशा करती हूँ कि इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर देना, ताकि सारी नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।